हेलो दोस्तों, नॉलेज विदाउट कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक दुनिया कोरोना के कहर से उभरी भी नहीं है कि उत्तरी चीन के बैनूर शहर में बुबोनिक प्लेग ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। बुबोनिक प्लेग का मामला सामने आने के बाद वहां चेतावनी जारी कर दी गई है। शहर में इस प्लेग से बचाव के लिए 3 लेवल 3 स्तर की चेतावनी जारी की गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीन आखिर क्या करके मानेगा। दोस्तों, ब्यूबोनिक प्लेग एक संक्रामक बीमारी है जो यर्सिनिया पेस्टिक नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह एक जूनोटिक बीमारी है, इसका मतलब यह हुआ कि यह जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। यह बीमारी जंगली चूहों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से फैलती है। प्लेग का बैक्टीरिया चूहों और उनके पिसुओं से इंसानों में फैलता है। संक्रमित चूहे का मांस खाने, संक्रमित चूहों या सामग्री के सीधे संपर्क में आने या संक्रमित चूहों के पिसुओं के काटने से इंसान प्लेग के बैक्टीरिया से संक्रमित हो सकता है और उसे यह बीमारी हो सकती है। इस बीमारी के लक्षण 3 से 7 दिन में दिखाई देते हैं। वर्ष 2017 में मेडागास्कर में बुबोनिक प्लेग के 300 से ज्यादा मामले सामने आए थे। दोस्तों, इस बीमारी को ब्लैक डेथ यानी काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। वैसे यह बीमारी पहले भी 3 बार आ चुकी है। पहली बार जब यह बैक्टीरिया फैला था तो 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। दूसरी बार जब यह फैला था तो यूरोप की 1/3 आबादी इसका शिकार हुई। तीसरी बार इस बैक्टीरिया ने 80,000 लोगों की जान ली। यह जीवाणु दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान में पैदा हुआ और तीसरा प्लेग 1894 में फैला। उसके बाद से यह दुर्लभ ही रहा है। 2010 से 2015 के बीच 3,248 केस दुनिया भर में सामने आए, जिससे 584 लोगों की मौत हुई। दोस्तों, ब्यूबोनिक प्लेग होने पर इंसान को अचानक बुखार आ जाता है, व्यक्ति के सिर दर्द होने लगता है और उसे ठंड लगने लगती है, व्यक्ति के शरीर में कमजोरी आ जाती है। यह बीमारी फेफड़ों पर हमला करती है। धीरे धीरे नाखून काले होकर सड़ने लगते हैं, नाक भी सड़ने लगती है, शरीर पर कई जगहों पर काली गांठें पड़ने लगती है, कई जगहों पर सूजन आ जाती है और अगर इलाज ना मिला तो 24 घंटे में मौत भी हो सकती है। लेकिन इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाइयों से संभव है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल यानी 2019 में मई महीने में मंगोलिया में ब्यूबोनिक प्लेग से 2 लोगों की मौत हो गई थी। इन लोगों ने कच्चा मांस खाया था। चूहे और गिलहरी के जरिए यह वायरस इंसानों में फैलता है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।